राम राम जपना पराया माल, अपना इन ढोंगियों की भक्ति भगवान स्वीकार नहीं किया। इबादत क्या होती है? मैं तो आपसे कह रहा हूं, भगवान कहते हैं पहले करो मदद, उसके बाद करो इबादत। ध्यान रखिए, बिना मदद किए इबादत करोगे तो वह इबादत परमात्मा तक पहुंचने वाली नहीं है। अरे भगवान को भी भगवान बनने से पहले लोगों की मदद करना पड़ी है, तब जाकर वह। यदि चंदना की मदद महावीर ना करते तो शायद वो महावीर ना बन पाते। यदि कृष्ण सुदामा की मदद ना करते कोई उन्हें नारायण कह करके नहीं पुकारता। ध्यान रखिए, यदि राम सुग्रीव की मदद ना करते, यदि राम विभीषण की मदद ना करते तो कोई उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहने वाला इस दुनिया में नहीं होता। मान्यवर ध्यान रखिए, मैं तो इतना मानता हूं कि पूजन करने वाले हाथों से बड़े सेवा करने वाले हाथ हुआ करते हैं। इस देश में मैं सबसे ज्यादा इज्जत यदि किसी की करता हूं और मेरी नजरों में सबसे ज्यादा यदि कोई संतत्व को लेकर जीता है तो मान्यवर ध्यान रखना, मैं बहुत इज्जत और सम्मान देता हूं। जिस कोड़ी को देख करके हम मुंह बनाते हैं, जिनकी बस्तियों में हम रहना नहीं चाहते हैं, यदि किसी को कोड़ हो जाए तो बस्ती से बाहर उन्हें निकाल दिया जाता है। लेकिन मैं जानता हूं एक ऐसी सेविका, एक ऐसी धर्मात्मा जो कोड़ियों के बस्तियों में जाती है और जिनके कोड़ से उंगलियां गल रही हैं, अपने हाथों से रुई से उनकी कोड़ की मवाद साफ करती है, वह उसमें दवा लगाती है, उनकी सेवा करती है, आंखों का कीचड़ पोंछती है। ऐसी यदि कोई इस युग में सबसे बड़ी संत हुई तो मदर टेरेसा के नाम से जिसे जाना जाता है, सारे देश ने जिसे सम्मान प्रदान किया है। आज भी ईसाई धर्म की सबसे अच्छी बात यदि कोई है तो उस धर्म में एक ही सबसे अच्छी बात है कि सेवा ही उनका धर्म है। सेवा से बड़ा धर्म उनका कुछ नहीं हुआ करता है। सेवा ही उनका संन्यास है, सेवा ही उनका धर्म है, सेवा ही उनका अध्यात्म हुआ करता है। मान्यवर, दरिद्र नारायण की सेवा करो, ये किसी चारों धाम की यात्रा से बढ़कर के काम हुआ करता है। दूसरों के आंसू पोंछने का काम करिए, ये सबसे बड़ी इबादत है मेरे भाई। घंटों घंटों पूजा करो मंदिरों में, लेकिन किसी निर्धन की सेवा भी किया करो। ध्यान रखिए मान्यवर, किसी की पीड़ा तुम्हारी पीड़ा ना बने तो किस काम का तुम्हारा जीवन? तुम तहकीकात करते हो, गलत तो नहीं है, बहरुपिया तो नहीं है, ढोंग तो नहीं कर रहा, 10 रुपए 2 रुपए में इतनी तहकीकात करते हो? अरे गलत ले भी गया 10 रुपया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया मेरे भाई? ऐसा 50 रुपए तो तुम्हारा बेटा मोबाइल की सिम कार्ड में उड़ा दिया करता है। ध्यान रखिए, पान मसाला खाकर थूक दिया करते हो एक गरीब के लिए। आज देश में हालात है कि आज एक गरीब को भी बड़ी सख्ती निगाहों से देखा जाता है। हम सेवा नहीं करते, तर्क लगा लेते हैं। श्रीमती मेनका गांधी जब अपने घर से बाहर निकलती हैं, मैं कह सकता हूं कि शायद जैन महिला भी वो काम नहीं करती होगी जो काम मेनका गांधी किया करती है। यदि रास्ते में पड़ा हुआ कहीं तड़पता हुआ कुत्ता दिख जाए तो मेनका गांधी को कितने भी जरूरी काम हो पहले गाड़ी रोकती हैं, वो गाड़ी रोक करके कुत्ते को अपनी गाड़ी में रखती हैं। और आज भी उनके बंगले पर जाकर देखो, सैकड़ों कुत्ते पड़े हुए हैं, गाय पड़ी हुई है, छोटे छोटे पक्षी जो घायल हैं, वह मेनका गांधी पहले उन्हें मलहम लगाया करती है। ध्यान रखिए, ऐसी नारी जिसके हृदय में करुणा है, दया है, राजनीति के गलियारे में रहने के बाद भी जो अहिंसा धर्म को जीवन में उतारा करती है, ध्यान रखिए, ऐसी वह नारी है जो पशुओं की चिंता पशुओं की वेदना पर जिया करती है। हाँ, विचार करिए, सोचिए, कोई जख्मी पशु मिल जाए तो मेनका गांधी का दिल रो पड़ता है। ध्यान रखिए मान्यवर, निश्चित कहूंगा कि नारी के अंदर केवल चींटी के प्रति करुणा नहीं होना चाहिए, इंसान के प्रति भी करुणा उसके भीतर होना चाहिए।
मान्यवर, क्या है पूजा पाठ? भगवान को चढ़ावा नहीं, भगवान को तो सेवा चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, मुझे पत्र पुष्प और फल चढ़ाने वाला मेरा भक्त नहीं होता, बल्कि दूसरों के आंसू पहुंचने वाला हकीकत में मेरा भक्त हुआ करता है। भगवान महावीर ने कहीं नहीं कहा कि मेरा पंचामृत से अभिषेक करो। भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा मेरा जल से अभिषेक करो। ना उन्होंने पीले चावल चढ़ाने को कहा, ना उन्होंने असली फूल चढ़ाने को कहा। भगवान महावीर ने तो संदेश दिया कि मेरा सबसे बड़ा भक्त वो होगा जो खुद जिएगा और दूसरों को जीने देगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा भक्त हुआ कर। क्या होता है इन सब में? पूजा पाठ करके भी संवेदनशील ना बने हम, मंदिरों में दिए जलाकर भी हमारे अंदर से विद्वेष की ज्वालाएं नहीं बुझ पाई, माला फेरने के बाद भी हमारा मन नहीं फिर पाया, और पांच बार नमाज में झुकने के बाद भी अहंकार नहीं टूटा। अरे तन को झुकाने से कुछ नहीं होता, जो अहम को झुकाता है वो भगवान की वंदना हुआ करती है। ध्यान रखिए, आलू प्याज नहीं खाते हम, आलू खाने का त्याग है, क्रोध अभी भी हमारा चालू है। ध्यान रखिए, प्याज नहीं खाते और ब्याज दवा करके खाते हो। विचार करिए, प्याज कटती है तो एक आदमी रोता है, और जब ब्याज कटता है तो पूरा परिवार जिंदगी बहाना करके रोता है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या जिंदगी हमारी? दो रुपए देने में हम शक की निगाहें रखते हैं, हम संदेह रखा करते हैं, एक रोटी देने में संदेह रखा करते हैं। कैसा इंसान का ये जीवन और व्यवहार हो गया है? अब तो दया भी हमें डर डर के करना पड़ती है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक ही सूत्र में दे रहा हूं कि पहले मदद फिर इबादत। ध्यान रखिए, घर से मंदिर दूर हो तो चलो एक काम किया जाए, घर से मंदिर दूर हो तो चलो एक काम किया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ध्यान रखना।